ऑफ फर्स्ट लॉ। और जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लॉ क्या है बेसिकली, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इसमें क्या शॉर्ट कमिंग थी कि इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ती, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें हमें डायरेक्शन नहीं प्रोसेस की मालूम पड़ती, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। और मैंने आपको एक बात और बताई थी इसके अलावा, किसी भी प्रोसेस को अगर एक्चुअली में वो प्रोसेस हमने एक्सिक्यूट करना है, या कोई भी प्रोसेस अगर अपनी स्टेट को चेंज करता है, उसके लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को फॉलो करे। सो मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लो आप अपने दोनों हाथों को अगर रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, बट अगर हम हीट पर आपके हैंड्स को दें तो वो आपके हाथों को ऑटोमेटिकली मैकेनिकली मूव नहीं करेगा। तो दैट इज द ट्रबल विद फर्स्ट लॉ, ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस जो है वो नहीं बताता। ये एक और मैंने एग्जाम्पल दिया था ब्रेक वाला, कि लाइक कंसिडर ए रनिंग ऑटोमोबाइल व्हीकल, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक द प्रोसेस चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल इन टू हीट एंड द ब्रेक गेट हीटेड अप बिकॉज इट कॉज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ से इट इज राइट, बट इफ वी कूल द ब्रेक टू देयर इनिशियल स्टेट दे नेवर पुट द व्हीकल बैक टू इन टू द मोशन। वही जो मैंने बताया था कि अगर हम क्या करें, उसको जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको अगर हम ब्रेक ड्रम से रिमूव कर दें तो क्या व्हीकल मोशन में आएगा, नहीं आएगा। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक टर्म्स बताई थी, दैट इज थर्मल रिजर्वायर। तो थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, ए थर्मल रिजर्वायर इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट विच कैन एक्सचेंज हीट विद ए सिस्टम। ये एक एनवायरमेंट का पार्ट है जो सिस्टम से हीट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए रिजर्वायर क्या होता है, इट इज ए लार्ज बॉडी विच कैन गिव और टेक द एनर्जी और यू कैन से हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, एक तो सन का एग्जाम्पल दिया था आपको, एटमोस्फेरिक एयर का एग्जाम्पल दिया था। दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल रिजर्वायर, एक होता है सोर्स एक होता है सिंक। द रिजर्वायर विच इज ए हायर टेम्परेचर विच सप्लाई हीट टू अ सिस्टम इज नोन एज द सोर्स। एग्जाम्पल बॉयलर, आपका जो आईसी इंजन है उसमें जो फ्यूल को बर्न करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द हीट सोर्स। कंबशन चैम्बर बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। और सिंक क्या होता है कि सिंक इज अ बॉडी जिसको आप जितनी मर्जी हीट दे दो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए एटमोस्फेरिक एयर, ओशियन, रिवर, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंक। नाउ नेक्स्ट इज दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म आती है, विद इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो बिफोर दैट जो इसकी कुछ स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की, आपको मैंने कल बताया भी था कि ए प्रोसेस कैन नॉट हैपन अनलेस इट सेटिस्फाई बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। द फर्स्ट लॉ कैरेक्टराइज द बैलेंस ऑफ एनर्जी विच डिफाइन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द सेकेंड लॉ डिफाइन द डायरेक्शन। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में नहीं आपको क्लैरिफाई करता, बट द सेकेंड लॉ इट ऑल्सो क्लियर शोज द डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको तीन टाइम बता रहा था, हीट इंजन एक उसमें फर्स्ट है। नाउ दिस इज अ हीट इंजन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अ कंबस्टन चैम्बर जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है, इट इज नोन एज द सोर्स। ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर टी एच है, एंड थ्रू दिस वी कैन सप्लाई हीट क्यू एच टू द हीट इंजन विच इज ए सिस्टम। Now this heat engine, it convert heat into work, and as I told you earlier, heat is the high grade of energy or heat is a low grade of energy. आप heat को 100% work में convert नहीं कर सकते. So the balance amount of जो हमारी heat है, that is rejected to the सिंक। सो बिकॉज ऑफ लॉ
of conservation of energy, we know QH is equal to W net plus TL, or W net is, sorry, QH is equal to W net plus QL, or W net is equal to QH minus QL. ठीक है, और एफिशिएंसी मैंने कल बताया था आपको, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या है हमारा, जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है वो हमारा वर्क डन है, और हमारी इनपुट क्या है, हीट है. तो आउटपुट अपॉन इनपुट हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच. तो अकॉर्डिंग टू दिस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन इज 100%, और वो कब होगी, जब सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए. और लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कितनी होगी, अगर मान लो कि जितना भी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट ना हो पाए, सारी की सारी जो हीट है वो सिंक में रिजेक्ट हो जाए, उस केस में डब्ल्यू जीरो एनीथिंग जीरो एनथिंग बाय एनथिंग जीरो बाय एनथिंग इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब हीट इंजन की जो मिनिमम एफिशिएंसी वो कितनी होगी, जीरो, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%. सो दिस इज द हीट इंजन. ऐसे स्टीम पावर प्लांट है, इसकी हम थर्मल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट इसी तरीके से कर सकते हैं. थर्मल जगह मैंने आपको पहले बताया था, एक बार पढ़ देता हूँ फिर भी. ए हाइपोथेटिकल बॉडी विद ए वेरी लार्ज थर्मल कैपेसिटी रिलेटिव टू सिस्टम being examined to or from which heat can be transferred without changing its temperature, ocean, atmosphere, lakes, and they are the example of thermal reservoir. Now next is your Kelvin Planck statement, जो मैंने कल बताया था. Kelvin Planck statement क्या है, it is impossible to construct a heat engine or a device which can only interact with the single heat reservoir. से interaction का मतलब ये हुआ कि जो पूरी heat को work में convert कर दे, ऐसा heat engine we cannot produce. So किसी भी heat engine को some of the heat जो है वो reject करनी ही पड़ती है sink में, जो कि वो temperature thermal reservoir है, sink बोलते हैं. Okay, so this is the Kelvin Planck statement. Impossible because ये impossible क्यों है, it violates Kelvin Planck statement or second law. एक और इसकी जो definition है, पहले मैं वो बताता हूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं. और वो definition है उसका नाम है Clausius statement. Now what is our Clausius statement? Clausius statement is, it is impossible to construct a device which operate on a cycle and produce no transfer of heat from a cooler body to a hotter body. This is a example of Clausius statement. Now what is meaning of this statement? You know कि जितने भी spontaneous process है उसमें जो flow of energy है वो high to low होती है, ठीक है. बट क्लॉसियस स्टेटमेंट भी यही कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट. यानी ये आप लोअर बॉडी से, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी पे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज against the Kelvin Planck statement. Okay, अगर आपको lower body temperature से higher temperature पे heat transfer करनी है, आपको कोई ना कोई external work करना पड़ेगा. So जो हमारा Kelvin Planck statement है, it form basis for your heat engine. Heat engine means your IC engines, your external combustion engine, your Kelvin Planck statement. Why? सर आवाज कट क्या रही है सर? हाँ जी सर, आवाज कट क्या रही है सर? ओके, तो जो आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट है दैट फॉर्म बेसिस फॉर योर रेफ्रिजरेटर एंड योर हीट पंप.
वो हम अभी आगे आगे स्टडी करेंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ से। ये आपको कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो समय आ गया। नाउ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, मैंने अभी आपको हीट इंजन के बारे में बताया था ना। अच्छा, मैं आपको पीपीटी आज शेयर भी कर दूंगा और आपको नोट्स कल सारे मिल जाएंगे अब तक के, और मंडे आपका टेस्ट भी होगा। मंडे को टेस्ट होगा कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का, आधे घंटे का टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस प्लस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और वही मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उसी के ऊपर करना होगा आपको। सो ए हीट पंप इज डिफाइंड एज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर वन। मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, इसका मतलब क्या हुआ? हीट पंप क्या है? ये एक डिवाइस है जो हीट ट्रांसफर करता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम होते हैं, और दोनों में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है उनके पर्पस में। जो हीट पंप होता है उसका पर्पस क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर बॉडी है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल विंटर है, विंटर में मान लो हम एक रूम में बैठे हुए हैं और उसका टेम्परेचर है से 10 डिग्री सेल्सियस, और रूम के जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो हमें अंदर जो रूम है उसके टेम्परेचर को 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है, हम क्या करेंगे? बाहर से अंदर हीट को ट्रांसफर करेंगे। और आपको मालूम है कि बाहर भी 10 डिग्री है, अंदर या बाहर 9 है अंदर 10 है, तो बॉडी हमेशा हीट ट्रांसफर करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बट हम क्या कर रहे हैं? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हम लोग क्या करेंगे? कोई वर्क करेंगे, चाहे हम कोई इसको पंप करें, एक्सटर्नल वर्क दें, इलेक्ट्रिसिटी दें, कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे और एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से हीट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दिस इज द हीट पंप। सो हीट पंप इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सोर्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड कोल्ड आउटडोर एयर इनटू द वार्म इनडोर। जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर कर रहे हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, और हम रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री है, बाहर 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री से हीट ली, रूम के अंदर दे दी, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके हम 10 से 15, 16, 20, व्हाटएवर वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। सो दिस इज द हीट पंप। और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर आल्सो ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। द ओनली डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस है? इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लोअर बॉडी। अब दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क है ऑब्जेक्टिव का। दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं हीट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, बट डिफरेंस है यार। जो डिफरेंस है वो कहां पे आता है? मान लो ये एक एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है। दिस इज हॉट, दिस इज द सोर्स, इसका टेम्परेचर कितना है? TH। ये क्या है? हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। और ये क्या है? सिंक। सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? सोर्स से कम होता है। अब मान लो ये हीट पंप की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये लो टेम्परेचर, ये सराउंडिंग है, ये एटमोसफियर है। अब इस एटमोसफियर में मुझे क्या करना है? हीट को ट्रांसफर करना है। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ हीट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी कि एटमोसफियर से रूम के अंदर। और मैंने अभी बताया आपको पहले भी, वी कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करें, चाहे हम मैकेनिकल वर्क करें, चाहे हम कोई और वर्क करें, बट हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वर्क करेंगे सो दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब जैसे ही यहाँ पर आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जैसे हम यहाँ पर हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हुआ? इसका टेम्परेचर तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही आपने क्या किया, ये हीट आपने क्या किया, ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर हीट को ट्रांसफर किया, हीट को ट्रांसफर करने से क्या होगा? यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, ये एक रूम है, दिस इज अ रूम। ओहो, ये एक रूम है, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ रूम, ठीक है। अब
इस रूम में हम क्या कर रहे हैं, ये है एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर तो क्या है, हमारा जो है वो बन गया सिंक, और जो रूम है ये क्या बन गया सोर्स। इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। इसका टेम्परेचर जो है वो है 9 डिग्री सेल्सियस, और जो रूम का टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अब 9 से 10 पे अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है, हम हीट ट्रांसफर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क हम इस हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल ऑब्जेक्टिव है इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना हायर टेम्परेचर पे, ताकि इस रूम का टेम्परेचर हम हायर टेम्परेचर पे मेंटेन कर सके। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस क्या है इसका, सेकेंड केस ये है कि ये जो सेकेंड केस क्या है कि जो ये रूम है ये सॉरी ये सिस्टम है ये रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा, नाउ दिस इज द एटमॉस्फेरिक एयर, इसका टेम्परेचर है बाहर 40 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। और नीचे ये क्या है, ये आपका फ्रीजर है या ये आपका रेफ्रिजरेटर है, जिसके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस रूम से टेम्परेचर हीट को निकालेंगे और बाहर एटमोस्फियर में रिलीज कर देंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो हीट पंप था उसका पर्पस क्या था, इसके टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना, यहाँ पे रूम था। और रेफ्रिजरेटर में क्या है, जो रेफ्रिजरेटर है ये इसके इसमें क्या पर्पस होता है कि इसके लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो डिफरेंस कहाँ पर है, दोनों के पर्पस में, प्रोसेस सेम है बट दोनों का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, अब एक टर्म आती है स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था आपको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों के पर्पस में ही डिफरेंस है। नाउ वन मोर थिंग, जैसे कि एक टर्म आती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टर्म जो हम यूज करते हैं, उस एफिशिएंसी टर्म में क्या होता है, बेसिकली आवर एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट और अपॉन अपॉन इनपुट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। नाउ यू नो एफिशिएंसी इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये हमें मालूम है, सिखाया गया, क्या कहते हैं हम लोग, आउटपुट अपॉन इनपुट। आई गिव यू एग्जांपल, आप पूरे सेमेस्टर मेहनत करते हो, आपने अपने इनपुट दी। अब नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, यू मे बी ऑल क्लियर, यू मे हैव रीअपीयर। आउटपुट तो है ना दोनों केसेस में, बट क्या आप लोग चाहते हैं रीअपीयर, एनीबडी वॉन्ट रीअपीयर, यस एनीबडी वॉन्ट रीअपीयर इन द एग्जाम, नो सर no, so this is also the output and we all want to be all clear, so what is the efficiency, desired output upon input, and what is the, your desired output in case of the heat engine, your desired output is your work done or your input is the heat supply, okay? So next is, now in case of the heat pump and the refrigerator, in case of heat pump and the refrigerator, the what is our desired output, wo mujhe batayega ki refrigerator ke case mein ya heat pump mein hamara hum chahte kya hai, hamari desire kya hai, haan ji kaun dega, suman, yes suman, yes sir, suman, ajay, दीपक, गणेश, किशोर, कौन बताएगा मुझे कि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारी डिजायर क्या है? यस, हु विल टेल मी व्हाट इज द आवर डिजायर इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर?
हाँ जी बताओ बच्चों। नो आईडिया। अरे आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करो, बताओ मुझे कि हमारी आउट इसमें डिजायर क्या है हीट पंप में या रेफ्रिजरेटर में। अरे बोलो भाई। चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो हीट पंप में हमारी डिजायर क्या है, हीट पंप में हम चाहते हैं कि जो ये हमारा सोर्स है, जो इसका टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर मेंटेन रहे। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, विंटर में हम चाहते हैं रूम का टेम्परेचर हमारा कंफर्टेबल टेम्परेचर है। तो हीट पंप के केस में हमारी डिजायर क्या है कि जो सोर्स है, जो हाई बॉडी थर्मल रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मेंटेन रहे। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हमें कंटिन्यूस अमाउंट में कुछ ना कुछ हीट वहां पे ऐड करनी होगी। दिस मच, हमें इतनी अमाउंट में हीट वहां पे क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। वाइल इन केस ऑफ रेफ, ठीक है, ये हमारी क्या है, डिजायर है। ये क्या है हमारी डिजायर, और हमारी इनपुट क्या है, हमारा वर्क डन। तो इन दोनों की जो रेशो होगी वो क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। बट जब बात करते हैं हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की, वहां पे एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करते, वहां पे टर्म यूज करते सीओपी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। तो हम उस केस में टर्म यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा सीओपी का फार्मूला क्या बन जाएगा, क्यू एच अपॉन डब्ल्यू नेट, और क्यू एच की वैल्यू हमें मालूम है। अब बात करते हैं डब्ल्यू नेट। देखो इस सिस्टम में ये इनपुट है, देखो ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, और ये क्या है इसकी, ये इसकी आउटपुट है। और आपको मालूम है कि इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा QL प्लस W नेट इज इक्वल टू QH, QL प्लस W नेट इज इक्वल टू QH, तो W नेट कितना हो गया, QH माइनस में QL। मैंने आपको क्या बताया कि देखो इसके अंदर हमारे जो इनपुट है वो इनपुट क्या है, क्यू एच प्लस डब्ल्यू नेट, ये हमारी क्या है इनपुट है, और सॉरी क्यू एल, क्यू एल प्लस डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्यू एच के। तो फिर डब्ल्यू नेट किसके इक्वल हुआ, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल। So, W net is equal to QH minus QL. अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी इसकी इस फॉर्मूला में, COP of heat is equal to QH desired output upon input W net. तो QH की वैल्यू QH आ गई और इसकी वैल्यू QH minus QL, ठीक है, ये आ गया हमारा coefficient of performance का फॉर्मूला। यह आ गया मेरे पास सीओपी का फॉर्मूला। मैं काम करता हूं या सब कुछ इरेज कर देता हूं। ये जो ये फार्मूला आया मेरे पास, ये फार्मूला किसका आया मेरे पास, ये फार्मूला आ गया हमारे पास सीओपी ऑफ द हीट पंप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर के केस में जो हमारी डिजायर है वो डिजायर क्या है, रेफ्रिजरेटर केस में जो हमारी डिजायर है वो क्या होती है, वो ये है कि जो इसका लोअर टेम्परेचर है, जो कि इसका ये लोअर टेम्परेचर है ये वाला, हमें इसको लो टेम्परेचर में मेंटेन करना। अब आप देखो आपको नीचे अगर मैं फ्रिज बंद कर दूं, उसका टेम्परेचर कितना होगा, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है, तो सेम टेम्परेचर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर का सामान सारा खराब हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई करी एंड वी स्विच ऑन द, जैसे स्विच ऑन करते हैं कंप्रेसर स्टार्ट एंड इट स्टार्ट ट्रांसफरिंग या रिमूविंग हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर टू एटमॉस्फेयर। सो अर्लियर टेम्परेचर 35, नॉट 25, देन 15, देन 10, 5, then 0, and we achieve our desired temperature.
So basically, and what we are doing, we are removing the heat from this refrigerator to the surrounding. This is the refrigerator, and this is the atmospheric air. Okay. So what is our purpose in that case? Our purpose in this one is to remove this much amount of heat. Our purpose in the refrigerator is to remove that much amount of heat from the system so that it can be maintained at lower temperature. Okay, dears. So, जैसे आपने temperature lower temperature पे maintain किया, उसके बाद क्या हुआ? इसको lower temperature पे maintain करने के लिए, हाँ जी सुमन या कोई भी बच्चा, मुझे screenshot share कर दो participants की list का. So next is, जैसे ही मैंने यहाँ से refrigerator से heat transfer करी, इसकी heat कम होगी, but इसका temperature low temperature है. और इसका टेम्परेचर कैसा है? इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है. अब लो से अगर मुझे हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करूंगा. ये मेरा क्या होगा? इनपुट. और सीओपी क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट या डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट. मेरी डिजायर क्या है? क्यू एन अमाउंट ऑफ हीट को निकालना. मेरी डिजायर क्या है? रेफ्रिजरेशन स्पेस से ये हीट निकालना. तो क्या हो गया? QL upon W net. What is COP of refrigerator? QL upon W net. अब W net की वैल्यू क्या होगी? अगेन देखो, इस सिस्टम की इनपुट क्या है? इनपुट है QL और प्लस W net. अरे किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू क्यू एच. ये किसके इक्वल होगा? क्यू डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल. अब मैं क्या करूंगा? यही वैल्यू यहां पुट करता हूं, क्यू एल बाय क्यू एच माइनस क्यू एल. सो नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर COP of a refrigerator. This is a formula for COP of a refrigerator. Now we will do one thing. क्या करते हैं हम लोग? इसको rewrite करते हैं इस पूरे को. देखो, COP of the refrigerator is equal to किसके equal है? It is equal to 2L और divide by क्यू एल क्यू एच माइनस क्यू एल. ठीक है बच्चों, ये वैल्यू मैंने लिखा है इसका, यही फार्मूला है ना. देखो लिखा भी हुआ वहां पे, क्यू एल सीओपी रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल. मैंने क्या किया? यहां से भी और यहां से भी दोनों तरफ क्या किया? एक एक वन एड कर दिया. कैसे? इस साइड भी वन ऐड कर दिया, ए ये यहां पे मैंने वन ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे, और मैंने राइट साइड पे भी क्या किया? एक वन ऐड कर दिया. अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो कैसे लिखूंगा इसको? अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो मैं इसको कैसे सिंपलीफाई करूंगा? देखो, वन प्लस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ? अब प्लस वन करके मैं क्या लिखूंगा? क्यू एल. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस क्यू एच माइनस क्यू एल और डिवाइड बाय क्या आएगा? क्यू एच माइनस क्यू एल. ये वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट देखो, क्यू एल से क्यू एल कट गया, हमारे पास क्या आया बच के? फिर हमारे पास यहां वैल्यू क्या आ गई कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू
एच डिवाइड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। मुझे एक बात बताओ क्यू एच बाय क्यू एच माइनस एल किसके इक्वल है? देखो जरा इसके अंदर मैंने तो फॉर्मूले लिख के दिखाए थे ना आपको, तो उन दोनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली जो ये वैल्यू है किसके इक्वल है? हाँ जी कौन बताएगा? क्यू एच बाय क्यू एच माइनस क्यू एल कहाँ पे लिखा है? ये देखो क्या लिखा है, ये क्यू एच बाय क्यू एच माइनस क्यू एल दैट इज इक्वल टू सीओपी ऑफ द हीट पंप। सो वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज इक्वल टू सीओपी ऑफ द हीट पंप। तो एक चीज हमेशा याद रखना, सीओपी ऑफ द हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन वन। सीओपी हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन वन। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है कि हीट पंप की जो सीओपी है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है उसकी? इन्फिनिटी। और जो रेफ्रिजरेटर की सीओपी वैल्यू है वो कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन गेट में आता है हमेशा। क्या क्वेश्चन आता है कि आपको एक सोर्स दिया, एक सिंक दिया है, और या फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एक सोर्स है, एक सिंक है, और वो एज ए रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी सीओपी कैलकुलेट करनी है आपको। और आपको वैल्यू क्या गिवन है? जो हीट पंप की जो सीओपी है उसकी वैल्यू गिवन है 0.25, 0.8, 0.9 और 0.4, 0.1.4। अब हीट पंप की जो सीओपी की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी, और जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें एक वैल्यू वन से ज्यादा है और बाकी तीन वैल्यू वन से कम है। इसका मतलब आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीट पंप की सीओपी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? इट इज मोर देन वन। सो दिस इज अ कंसेप्ट। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट आ गए, यू कैन इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो दिस इज फॉर टुडे लेक्चर।